वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग टंग के बारे में स्टडी करेंगे कि टंग क्या होती है। टंग क्या है? टंग एक सेंसरी ऑर्गन होता है। टंग को सेंसरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं सेंसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो किसी चीज को सेंस करता है, रियलाइज करवाता है या महसूस करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन बोलते हैं। जैसे टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है कि बिटर टेस्ट है कि सोर टेस्ट है या साल्टी टेस्ट है, ये कैसे पता चलता है? टंग की वजह से पता चलता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं टंग कैसा ऑर्गन होता है? सेंस ऑर्गन होता है। तो उसके बाद देखते हैं टंग मस्कुलर ऑर्गन होता है। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो मस्कुलर ऑर्गन होता है इसका मतलब टंग मसल्स के मिल का बना होता है। टंग किससे मिलकर बना होता है? मसल से मिलकर बना होता है। टंग मसल का बना होता है। मसल्स में कौन सी मसल? वॉलंटरी मसल्स होती, इनवॉलंटरी मसल्स होती, कौन सी मसल? टंग वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। वॉलंटरी मसल्स कौन सी मसल होती है? वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती है जिसको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग या अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग या अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए टंग को हम जब चाहे मूवमेंट करा सकते हैं, जब चाहे हम टंग का मूवमेंट रोक सकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि टंग वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। ठीक है, अब आते हैं। ओके, टंग की जो सरफेस है, टंग है, ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जो टंग की जो सरफेस है वो किससे कवर है, किससे सराउंड है? एक टिश्यू की। उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? म्यूकोजा। तो टंग की ये सरफेस है वो किससे कवर होती है, सराउंड होती है, किससे घिरी होती है? म्यूकोजा। हम कह सकते हैं कि टंग म्यूकोजा से कवर होता है। अच्छा, टंग का जो पिंक कलर होता है किसकी वजह से होता है? म्यूकोजा की वजह से होता है, क्योंकि म्यूकोजा पिंक होता है। इसलिए टंग का जो पिंक कलर होता है किसकी वजह से? म्यूकोजा की वजह से होता है। तो ये म्यूकोजा है। टंग इज सराउंडेड बाय द म्यूकोजा विच इज पिंकिश इन कलर, जिसका कलर कैसा होता है? पिंक होता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं टंग किससे अटैच होती है, टंग किससे जुड़ी हुई होती है? किससे? माउथ के सरफेस पे या माउथ के फ्लोर पर। ये माउथ का फ्लोर है, ये माउथ का फ्लोर है, ये टंग है, टंग है। तो टंग ये माउथ के फ्लोर से जुड़ी होती है, अटैच होती है। कैसे अटैच होती है दिखाते हैं। देखिएगा आप लोग, ये स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग, ये हमारी, ये क्या हो गई? ये हमारी टंग हो गई, ठीक है ना? ये टंग हो गई, ये हमारी टंग हो गई। ये क्या हो गया? ये माउथ है। माउथ की क्या हो गई? माउथ का फ्लोर हो गया। माउथ कौन सा हिस्सा हो गया? फ्लोर। ये कौन सा हिस्सा हो गया? फ्लोर। इससे कौन अटैच है? ये माउथ का फ्लोर हो गया, ये टंग हो गया। टंग किससे अटैच है, जुड़ी है? माउथ के फ्लोर से। किसके थ्रू? ये देखिए, इसको बोलेंगे फोरामेन, फोरामेन, सॉरी, इसको बोलेंगे फेरेनुलम। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को? फेरेनुलम। तो हम कह सकते हैं टंग अटैच होती है, ये टंग हो गई, अटैच होती है किससे? माउथ के फ्लोर से। किसके थ्रू? फेरेनुलम। फेरेनुलम के थ्रू टंग माउथ के फ्लोर से अटैच होती है, जुड़ी होती है। फिर उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने पार्ट होते हैं टंग में। हाउ मेनी पार्ट इज देयर इन द टंग? टंग में देखिए थ्री पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट होते हैं। देखते हैं वो थ्री पार्ट कौन है। ये देखिए टंग है, ये क्या है? ये टंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। टंग में कितने पार्ट हमने बताया? तीन पार्ट। जो ये देखिए आगे से स्ट्रक्चर है, ये इंटीरियर पार्ट है टंग का। टंग का ये इंटीरियर है, फिर इस तरीके से पोस्टीरियर पार्ट जाएंगे। तो टंग की ये आगे वाला हिस्सा है, फिर ये सब ये धीरे धीरे जाएंगे पीछे वाला हिस्सा है। तो आगे से देखेंगे इस पार्ट को देखें। टंग में कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। ये जो दिख रहे हैं, जो आगे वाला फ्रंट वाला या इंटीरियर जो पार्ट टंग का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिप। तो हम कह सकते हैं टिप इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग, मतलब टंग का पहला पार्ट टिप होता है।
टिप जो है टंग का इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके पीछे देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर देखते, इसको बोलेंगे बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। तो हम कह सकते हैं बॉडी टिप के पीछे वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी, ठीक है। अब देखिए बॉडी के बाद क्या है, सबसे पीछे सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो टंग का होता है उसको बोलते हैं रूट। देखिए इसको क्या बोलेंगे? इस हिस्से को रूट, यही सबसे पिछला पार्ट है ना टंग का, तो इसको क्या बोलेंगे? रूट। हम कह सकते हैं तो रूट जो है टंग का सबसे पिछला पार्ट होता है या सबसे या पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो बॉडी किसकी किसके बीच में होती है? टिप और रूट के बीच में बॉडी होती है, और बॉडी का एरिया बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू टिप एंड रूट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, टंग के इस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले ये इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलेंगे? सल्कस टर्मिनलिस। ये देखिए स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे सल्कस टर्मिनलिस। ये सल्कस टर्मिनलिस ये क्या करता है, टंग को दो पार्ट में, एक इंटीरियर पार्ट और एक पोस्टेरियर पार्ट में डिवाइड करता है। सल्कस टर्मिनलिस एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सल्कस टर्मिनलिस होगा, ये स्ट्रक्चर होता है, टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर पार्ट मतलब एक आगे वाला पार्ट, एक पोस्टेरियर मतलब एक पीछे वाला पार्ट हो गया। अब देखिए जो सल्कस टर्मिनलिस है जो टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो आगे वाला या इंटीरियर पार्ट होगा, आपको दिख रहा होगा लंबा है ना, इसका एरिया ज्यादा है ना, ये जो है टू थर्ड पार्ट बनाता है टंग की। टंग मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ या पूरा एरिया टंग का कितना है? थ्री। पूरा एरिया कंप्लीट एरिया जो टंग का कितना है? थ्री है। तो टू थर्ड पार्ट टंग का कौन बनाता है? टू थर्ड पार्ट टंग कौन बनाता है? इंटीरियर पार्ट। ये इंटीरियर पार्ट जो है होता है वो टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग का बनाता है टंग, ठीक है। तो अब पोस्टेरियर पार्ट, जो पोस्टेरियर पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए सल्कस टर्मिनलिस से इसके जो पीछे वाला है इसको पोस्टेरियर पार्ट, ये सब पार्ट क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर पार्ट। पोस्टेरियर पार्ट वन थर्ड पार्ट बनाता है, कितना? वन थर्ड पार्ट होता है। पोस्टेरियर पार्ट कितना होता है? वन थर्ड होता है, जबकि इंटीरियर पार्ट कितना होता है? टू थर्ड होता है। अच्छा, जो टंग का इंटीरियर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट ऑफ द टंग बोलते हैं, टंग का ओरल पार्ट ही बोलते हैं। और टंग का जो पोस्टेरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फेरिंजियल पार्ट बोलते हैं, टंग का फेरिंजियल पार्ट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे सेंटर में लोकेट है, इसको क्या बोलेंगे? फोरामेन सीकम। क्या बोलेंगे? फोरामेन सीकम। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सेंटर में, इसको क्या बोलेंगे? फोरामेन सीकम। ये कहाँ पे होता है? ये देखिए सल्कस टर्मिनलिस के बीच में होता है। कहाँ पे? सल्कस, ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं फोरामेन सीकम इज अ स्ट्रक्चर जो कहाँ पे होता है? सल्कस टर्मिनलिस के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा ये क्या है? इसको बोलेंगे मीडियन लिंगुअल सल्कस। क्या बोलेंगे? मीडियन लिंगुअल सल्कस, ठीक है। ये मीडियन लिंगुअल सल्कस है। अब देखिए ये टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, कितने पार्ट में? दो, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो मीडियन लिंगुअल सल्कस टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट पार्ट ऑफ द टंग और लेफ्ट पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है ना। लेकिन टंग के किस पार्ट में? एंटीरियर जो पार्ट होता है टंग का, टू थर्ड पार्ट जो टंग होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, पोस्टेरियर वाले को नहीं डिवाइड करता है। पोस्टेरियर पार्ट या वन थर्ड पार्ट जो टंग होता है उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता, उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता है ना, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा कि मीडियल लिंगुअल सल्कस क्या करता है, जो टंग का इंटीरियर पार्ट होता है, जो टंग का टू थर्ड पार्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। जो टंग का पोस्टेरियर पार्ट होता है या वन थर्ड पार्ट होता है उसको डिवाइड नहीं करता, उसको डिवाइड नहीं करता। यहां देख सकते कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मीडियल लिंगुअल सल्कस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि टंग में
कितने पपीले होते हैं, हाउ मेनी पपीले इज देयर इन अ ह्यूमन टंग, टंग में कितने पपीले होते हैं, टंग में चार टाइप के पपीले होते हैं, टंग में कितने टाइप के पपीले होते हैं, चार टाइप के पपीले होते हैं। और ये पपीले क्या होते हैं, ये पपीले बहुत छोटे से प्रोजेक्शन होते हैं या बहुत छोटी सी स्वेलिंग होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं पपीले इज अ टाइनी स्वेलिंग, और वी कैन से पपीले इज अ टाइनी प्रोजेक्शन, कहां पे होते हैं, सरफेस पे, किसके सरफेस पे, टंग के सरफेस पे, किस सरफेस, अपर सरफेस पे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, अच्छा ये क्या करते हैं पपीले, क्या करते हैं, टंग को रफ बनाते हैं, टंग को खुरदुरा बनाते हैं, रफ टंग। जैसे आप टंग हम लोग देखेंगे जब ओपन करेंगे तो देखेंगे वहां छोटे 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 प्रोजेक्शन होंगे, छोटे 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 उभार होंगे या छोटी छोटी स्वेलिंग होगी, उसको क्या बोलते हैं, पपीले बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अज्यूम करिए ये एक टंग है, ये क्या है, एक टंग है, ये इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है, मतलब कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कोई प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, ठीक है ना। लेकिन रियल में होता है क्या है, टंग में पपीले होते हैं, टंग में पपीले होते हैं। और पपीले कैसे होते हैं, पपीले क्या होते हैं, एक छोटी सी स्वेलिंग होती है, छोटी सी प्रोजेक्शन होते हैं, देख सकते हैं ये हमारी टंग है, ये जो दिख रहा है ना, इस टंग और इस टंग को कंपेयर करें, यहाँ पे कोई पपीले नहीं है, ऐसा नहीं है, तो पपीले होता है, हमने समझाने के लिए बनाया है, यहाँ पे कोई पपीले नहीं, देखिए स्मूथ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पपीले है कि नहीं, जो ये उभरे हुए हैं, जो आगे को निकले हुए हैं, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसी को स्वेलिंग बोलते हैं, देख रहे ना, आगे उभरे हुए हैं, ऐसे उभरे हुए, जगह जगह उभरे हुए, इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं या स्वेलिंग बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो बहुत छोटी छोटी ये प्रोजेक्शन, ये स्वेलिंग होती है, ठीक है ना। तो ये चीज होगी पपीले। अब देखिए पपीले कितने टाइप के होते हैं, पपीले फोर टाइप के होते हैं, क्या क्या नाम है देखिए, फंगी फार्म पपीले, ठीक है, फिर उसके बाद फिली फार्म पपीले, नंबर वन हो जाएगा फंगी फार्म पपीले, नंबर टू फिली फार्म पपीले, नंबर थ्री हो जाएगा फोलिएट पपीले, नंबर फोर हो जाएगा सरकम वायलेट पपीले। तो पपीले कितने किस्म के हो गए, चार किस्म के। अब देखते हैं फोर टाइप होते हैं पपीले, देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, पहला फंगी फार्म पपीले कहाँ पे लोकेट होते हैं, देखिए ये, देखिए देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो टिप वाला एरिया ना, टिप वाला, ये टिप वाला एरिया ना, टिप वाला दिख रहा है ना, फंगी फार्म पपीले जो है टिप वाले एरिया में, टंग के जो टिप वाला एरिया होता है, जो आगे वाला एरिया होता है, वहां पे कौन से पपीले प्रेजेंट होते हैं, फंगी फार्म पपीले होते हैं, कौन से पपीले, फंगी फार्म, इस एरिया में देखिए ये कौन से पपीले हो गए, फंगी फार्म पपीले हो गए, ठीक है ना, ये फंगी फार्म पपीले हो गए, यही देखिए पपीले, यही बात कर रहा हूं, ये प्रोजेक्शन है ना, ये स्वेलिंग है ना, फंगी फार्म पपीले हो गए। फिर इसके बाद फीली फार्म पपीले की बात करते हैं, फीली फार्म पपीले सेंटर, टंग की जो सेंटर होता है, जो बीच वाला एरिया टंग होता है, वहां पे फीली फार्म पपीले होते हैं। तो हम देख सकते हैं यही सेंटर वाला एरिया है ना, ये यहाँ पे क्या होंगे, फीली फार्म पपीले होंगे, ये सेंटर वाला एरिया ये है ना, यहाँ पे क्या होंगे, फीली फार्म पपीले, ये देखिए प्रोजेक्शन है ना, स्वेलिंग है ना, यही पपीले बोलते हैं ना, ठीक है ना, ये देखिए फीली फार्म पपीले हो गए, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंटर वाले में हो गया। फिर उसके बाद नंबर थर्ड की बात बोलते हैं फोलिएट पपीले, फोलिएट पपीले अब देखते हैं फोलिएट पपीले कहाँ पे होते हैं, फोलिएट पपीले लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, किसके लेटर, टिप्स के जस्ट पीछे जाएंगे तो जो लेटरल एरिया होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, फोलिएट पपीले, ये देखिए ये है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फोलिएट पपीले, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, फोलिएट पपीले, फोलिएट पपीले होंगे। तो हम कह सकते हैं फोलिएट पपीले कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड, कहाँ पे, टंग के लेटरल साइड में, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट वन अब हम बोलेंगे कौन सा पपीले, सरकम वायलेट पपीले, सरकम वायलेट पपीले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पुष्ट या सबसे पीछे प्रेजेंट होते हैं, सबसे पीछे प्रेजेंट होते हैं, ये देख लीजिए सरकम वायलेट पपीले हो गए, क्या हो जाएंगे, सरकम वायलेट पपीले हो गए। इसका स्ट्रक्चर बहुत लंबा, इनकी साइज सबसे लंबी होती है, सरकम वायलेट पपीले होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये
जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये टंग के इंटीरियर पार्ट मतलब टू थर्ड पार्ट का स्ट्रक्चर है, ये पोस्टीरियर पार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। तो पपीले जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? टंग के इंटीरियर पार्ट मतलब इंटीरियर पार्ट मतलब टू थर्ड पार्ट, यहां से लेके यहां तक वाले में पपीले होंगे, ये पोस्टीरियर पार्ट में पपीले नहीं है। ये क्या होते, उसमें होते लिम्फाइड फोलिकल्स होते हैं, ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल होते, पपीले नहीं होते हैं, ठीक है ना। पपीले क्या करते हैं, टेस्ट रियलाइज करवाते हैं। टेस्ट का पता कैसे चलता है, पपीले से पता चलता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये इंटीरियर पार्ट है, तो ये दिख रहा है इंटीरियर पार्ट कौन बनाता है, ये कौन बनाता है इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाता है, ये बनाता है क्या बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस। तो सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट नीचे पपीले जो होता है उसको क्या बोलेंगे, ये देखिए ये सल्कस टर्मिनलिस है, उसके जस्ट नीचे जो पपीले होंगे उसको बोलेंगे सर्कम वायलेट पपीले। तो हम कह सकते हैं सर्कम वायलेट जो पपीले होता है वो सबसे इसकी साइज लंबी होती है, ये किसके पीछे लोकेट होता है, सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है।